आइए मैं जिस बात को कहने आया हूं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वाह कि माँ बहनों को देवी माना समझा चंदन इस माटी को, माँ बहनों को देवी माना समझा चंदन इस माटी को, युग शक्ति जन जन को जाना पावन बंधन इस माटी को, मैं करूं निवेदन गणपति संग हे मात सरस्वती आ जाओ, शौनत बंधन भारत माँ को है अभिनंदन इस माटी को, शौनत बंधन भारत माँ को है अभिनंदन इस माटी को। क्योंकि आज सैनिकों का सम्मान हुआ, मैं सैनिकों के लिए एक मुक्तक रखना चाहता हूँ दादा जी। जी स्वागत है मित्र। कि जिस माँ की गोदी का साहस दुश्मन पर इतराता है, मैं समझता हूँ कोई भारत माँ नहीं है। भारत माँ एक काल्पनिक चित्र है यादव जी। शोभनम वाह वाह वाह। जिस माँ की गोदी का साहस दुश्मन पर इतराता है, जिसके खून का कतरा कतरा वंदे मातरम गाता है, जिसने अपने बेटे को सरहद पर भेजा लड़ने को, अगर ये चार पंक्तियां आपको लग जाए कि वास्तव अच्छी है, तो इस भर्तना की जमीन से जोरदार तालियां आना चाहिए। कि जिस माँ की गोदी का साहस दुश्मन पर इतराता है, जिसके खून का कतरा कतरा वंदे मातरम गाता है, अरे जिसने अपने बेटे को सरहद पर भेजा लड़ने को, वो इस भारत देश की सच्ची देवी भारत बहुत अच्छा। वो इस भारत देश की सच्ची देवी भारत माता है। अरे राजू भाई बहुत अच्छा। मैं चौरसिया जी के घर गया, मैंने एक छोटे बच्चे को आज देखा, श्याम सुंदर जी का नाती एक तिरंगा लिए था, मैंने उस तिरंगे को देखा और पंक्तियां लिख दी कि करे देश की रक्षा यह अरमान दिखाई देता है। बहुत अच्छा। करे 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 देश की रक्षा यह अरमान दिखाई देता है, हिंदू मुस्लिम जिसको हर मेहमान दिखाई देता है, जिसने अपने सीने में भारत माता को छुपा रखा, उस नन्हे हाथों में हिंदुस्तान दिखाई देता है, उस नन्हे हाथों में हिंदुस्तान दिखाई देता है। हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, बिना बुलाए जब पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तब मैंने पाकिस्तान से कुछ कहने का प्रयास किया है। और वास्तव में दादा ये देश की अलग बात है यादव जी, अशोक भैया अगर किसी शायर ने कहा हो इस बात को तो आप अभी विराम लगा देना। जी जी जी। आपने हजारों मंचन किए हैं, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो देश की अद्भुत बात है। जो हमारे मोदी जी पहुंचे, जो हमारे मोदी जी पहुंचे पाकिस्तान, तो मैंने कहा कि मेरी दोस्ती का तुम पैगाम ले लो, मुझे अल्लाह देकर मेरा श्याम ले लो। मेरी दोस्ती का तुम पैगाम ले लो, मुझे अल्लाह देकर मेरा श्याम ले लो, मैं मक्का मदीना मैं अजमेर जाऊं तो मैं पूजना तो अबद्धाम ले लो। तालियां बहुत कम है। मैं मक्का मदीना मैं अजमेर जाऊं तो मैं पूछना तो अब धाम ले लो, मगर खून से खून बदलोगे कैसे? हाय हाय। मगर खून से खून बदलोगे कैसे कि तुम्हारा सफेद हमारा काला जिस पर लड़ाई हो रही है? वाह वाह वाह। मगर खून से खून बदलोगे कैसे? जमाने से पूछो कोई नाम ले लो, और सनातन को मंदिर से लेकर मैं आता, हमारा धर्म सनातन है। वाह। सनातन को मंदिर से लेकर मैं आता तो मस्जिद से बस अपना इस्लाम ले लो। वाह अच्छा। सनातन को मंदिर से लेकर मैं आता तो मस्जिद से बस अपना इस्लाम ले लो, मगर दिल से दिल ईद जैसे मिलो, तुम ईद में कैसे मिलते हो? अच्छा है वाह। मगर दिल से दिल ईद जैसे मिलो, तुम दिवाली की मेरी सियाराम ले लो। अच्छा है वाह। मगर दिल से दिल ईद जैसे मिलो, तुम दिवाली की मेरी सियाराम ले लो, और कटे ना गले देश की सरहदों पर, कटे ना गले देश की सरहदों पर, हर नफरत का वापस अब संग्राम ले लो, और पाकिस्तानियों मैं कह साहब बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शायर है, भोपाल नहीं पूरे देश की शान है, सुनिएगा। मगर दिल से दिल ईद जैसे मिलो, तुम दिवाली की मेरी सियाराम ले लो, और कटे ना गले देश की सरहदों पर, हर नफरत का वापस अब संग्राम ले लो, और पाकिस्तानियों ये दिल्ली है दिल वालों की दिल मिलेंगे, आखिरी पंक्तियां पर ये दिल्ली है दिल वालों की दिल मिलेंगे, इस भारत से राजू का प्रणाम ले लो। बहुत अच्छा वाह।
मैं कहना चाहता हूं जिसके लिए आज लड़ाई चल रही है, वाह 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 वाह, हिंदू मुस्लिम दो दिल एक जान हो जाए। हिंदू हिंदू दादा हमारे सर, मैं बहुत सम्मान करता हूँ जलाल में कश्यप का, और ये पंक्तियां शायद उनको पसंद आ जाएगी कि हिंदू मुस्लिम दो दिल एक जान हो जाए तो दुनिया में प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू हिंदू मुस्लिम दो दिल एक जान हो जाए तो दुनिया में प्यारा हिंदुस्तान हो जाए। आस्था पीछे खड़ी क्यों आत्मा रोती, अरे हम दोनों के प्यार में तलवार क्यों होती। आस्था आस्था पीछे खड़ी क्यों आत्मा रोती, हम दोनों के प्यार में तलवार क्यों होती। खून के रंग एक अपने फिर जुदा कैसे, अरे राम से नफरत करे तो खुश खुदा कैसे। बहुत अच्छा वाह। खून के रंग एक अपने फिर जुदा कैसे, राम से नफरत करे तो खुश खुदा कैसे। वो आरती को तुम करो तो हम अजान को, आरती को तुम करो तो हम अजान को, और रामायण को हम पढ़े तो तुम कुरान को। हाय 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 हाय। आरती को तुम करो तो हम अजान को, और रामायण को तुम पढ़ो तो हम कुरान को। जाति धर्म दोनों एक समान हो जाए तो दुनिया में प्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा है, अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। वाह, हमारा तो देश ऐसा है साहब, फिर चार पंक्तियां उठाने का प्रयास किया। बढ़िया लिख रहे हो गुरु, वाह वाह। कि जहां दशानन शिव चरणों में शीश उतारे श्रद्धा से। हमारा देश देखिए, दशानन काट काट के सिर चढ़ाता है भक्ति, और ये चार पंक्तियां सुस्त बैठे लोगों के लिए है। वास्तव हाथ खोलने की जरूरत है कि जहां दशानन शिव चरणों में शीश उतारे श्रद्धा से। शंकर जी हमारे यहाँ विराजमान है पागल बाबा आश्रम में। जहां दशानन शिव चरणों में शीश उतारे श्रद्धा से, उस भारत की भक्ति का अंदाज लगाना मुश्किल है। और जहां ज्ञान विज्ञान भाग भगवान की पूजा करता हो, उस भारत की शक्ति का अंदाज लगाना मुश्किल है। वाह, उस भारत की शक्ति का अंदाज लगाना मुश्किल है। साहब हमारे सैनिक को यादव जी, वाह 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 वाह, अगर बोर हो रहे हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग। कुछ अच्छा। लग रहा है कि हम कुछ कह रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि आप भी कुछ कर रहे हो। एक सैनिक को गोली लगती है साहब, वो कह रहे हैं रिपीट कर दो भैया, रिपीट। हाँ हाँ, चलिए आपने कहा। कुछ लोग सप्लीमेंट्री कि जहाँ दशानन शिव चरणों में शीश उतारे श्रद्धा से, उस भारत की भक्ति का अंदाज लगाना मुश्किल है। और जहाँ ज्ञान विज्ञान भाग भगवान की पूजा करता हो, उस भारत की शक्ति का अंदाज। बहुत अच्छी पंक्तियां। उस भारत राजू भाई, दो पंक्तियां ही अंदाज लगाना मुश्किल है। दादा हमारे एक सैनिक को गोली लगती है, और गोली लगने की खबर व्हाट्सएप पर माँ को आ जाती है। माँ जब व्हाट्सएप पर खबर देखती है, आंख में आंसू आते हैं। नगर वाले शहर वाले पड़ोसी समझ जाते हैं कि शायद कोई बुरी खबर है, और हो सकता है बेटे की शहादत की कोई खबर है। वाह, तब वो गोली निकाली जाती है, और सब डॉक्टरों से लोग पूछते हैं कि ये गोली किस कायर की, कायर देश की है। दादा आदरणीय श्याम सुंदर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, दादा सुनिएगा। और वास्तव ये भी चार पंक्तियां दादा अजीब है, ये चार पंक्तियां बिल्कुल हिंदुस्तान से हटके हैं। वाह वाह। मैसेज बॉक्स खोल कर देखा, जब माता ने बेटे का ममता मई माँ के आंखों में बेटे का बलिदान लिखा था। वाह, कहाँ लिखा था दादा? मैसेज बॉक्स खोल कर देखा, जब माता ने बेटे का ममता मई माँ के आंखों में बेटे का बलिदान लिखा था। अरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब दुनिया वालों ने पूछी, लोगों ने पूछा वो गोली किस कायर देश की है, तो डॉक्टरों ने क्या कहा? हेमंत भाई, हरन भाई, मैसेज बॉक्स खोल कर देखा, जब माता ने बेटे का ममता मई माँ के आंखों में
बेटे का बलिदान लिखा था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब दुनिया वालों ने पूछी, कहा डॉक्टर ने सब अच्छा दिल पर हिंदुस्तान लिखा। वाह हा हा वाह वाह। जब पूछे क्या गोली किस कायर देश की है, तो डॉक्टर ने कहा गोली नहीं मिली लेकिन दिल पर हिंदुस्तान जरूर। बहुत अच्छा है। तो मैसेज बॉक्स खोल कर देखा, जब माता ने बेटे का ममता मई माँ के आंखों में बेटे का बलिदान लिखा था, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब दुनिया वालों ने पूछी, कहा डॉक्टर ने सब अच्छा दिल पर हिंदुस्तान लिखा था, और मस्तक पर पढ़ने में आया भारत माँ का जय। आप लोग सुस्ती हटाइएगा, सुनिएगा कि मस्तक पर पढ़ने में आया भारत माँ का जयकारा। दोनों हाथ की मुट्ठी खोली, हिंदू का सम्मान लिखा था, और आतंकवाद की जड़ न जमने दूंगा मैं, जूते से कुचलो तलवे पर पापी पाकिस्तान। जूते से कुचलो तलवे पर पापी पाकिस्तान लिखा था। मैं कहना चाहता हूँ, जब भी हरकत करता है कभी कश्मीर का राग आलापने लगता है। मैंने कहा कि मैं श्रेष्ठ जगत का चित्रकार तस्वीर बनाना आता है, तुम जैसे बिगड़े मानव की तकदीर बनाना आता है। अरे मेरी भौगोलिक सीमा पर बेकार नजर न रखना तू, इतिहास बदलने वाले हम इतिहास बनाना। बहुत अच्छा है। इतिहास बदलने वाले हम इतिहास बनाना आता है। देश की बात बहुत हो गई, अभी चुनाव चल रहे थे दादा। बहुत अच्छा जी। और नेताओं में इतना प्रेम झलक रहा था, वाणी में इतनी मिठास झलक रही थी कि किसी को तू नहीं कहते थे, सबको आप। कान में पूछते बेटा कैसे हो, एक मुख तक देखिएगा दादा, राजनीति पर आइए कि नहीं तू तुम कहा करते, सभी को आप कहते। हमारे यहाँ की राजनीति देखिए, जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग कैसे मिल जाते हैं, चार पंक्तियों से पूरे सदन में गड़गड़ाहट होना चाहिए तालियों की, कि नहीं तू तुम कहा करते, सभी को आप कहते हैं, मधुर मुख से वचन अनमोल दो चुपचाप कहते हैं। अच्छा है। दिखाते आंख जनता पर यहाँ के राजनेता सब, मगर जब जीतना पड़ता गधे को बाप कहते। बहुत अच्छा, बढ़िया। कम है पंक्तियां, कम। बहुत अच्छा दादा। मुझे अपने बचपन की याद आई। अच्छा जी। मैं जब स्कूल जाया करता था, एक अद्भुत क्षण देखिएगा। वाह, अच्छा स्कूल गए हैं आप भी। हाँ हम स्कूल गए हैं, लेकिन आपको जब लगे कि राजू बैठ जाइएगा तो साहब बोल दीजिए बैठ जाइए जी। देखिए, जब मैं स्कूल जाता था तो हमारे समय में, आप सबको याद दिलाता हूँ अपने समय, एक किताब रहती थी, उसमें गिनती पहाड़े ओलम एक में ही रहते थे, एक स्लेट रहती थी, एक दबात रहती थी, उसमें एक खत रहता था, बस इतना ही सामान रहता था, और ज्यादा होता था तो एक पट्टी बिछाने के लिए रहती थी, एक ही किताब में। सही है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल सही। सब आ रही समझ में कि नहीं? तो देखिएगा कि थैले में किताब एक, गिनती पहाड़े एक, समझ न आती सोचने का मजा और था। अगर मास्टर साहब ने उस समय पूछ लिया कि राजू बेटा दो और दो, तो नहीं बता पाते थे। थैले में किताब एक, गिनती पहाड़ अनेक, समझने आती सोचने का मजा और था, और एक साथ खाते रहे पिटते पिटाते रहे चिमटी तमाचा नोचने का मजा और था। बढ़िया है, वाह। और दादा स्कूल आते मास्टर जी सुनाते, वाह, एक दूसरे के टोचने का मजा और था, वो कलम दबाद से रंगे थे दो ही है नीले हाथ। पूरे सदन की अंदर तक पीछे तक सब दूर से तालियां आना चाहिए कि थैले में किताब एक, गिनती पहाड़ ने, समझने आती सोचने का मजा और था, एक साथ खाते रहे पिटते पिटाते रहे चिमटी तमाचा नोचने का मजा और था। वो दादा स्कूल आते मास्टर जी सुनाते, एक दूसरे के टोचने का मजा और था, वो कलम दबाद से रंगे थे दो ही नीले हाथ, थूक से स्लेट पहुंचने का मजा। वाह, थूक से स्लेट पहुंचने का मजा। आइए अध्यक्ष महोदय, आइए, कुछ आराम मिला। आजकल तो ऐसा है,
कि कोयले में लोग अपने हाथ काले कर गए, कोयले में लोग अपने हाथ काले कर गए, जांच जिनको दी वही दम से घोटाले कर गए। अच्छा अच्छा है, वाह 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 वाह। कोयले में लोग अपने हाथ काले कर गए, जांच जिनको दी वही दम से घोटाले कर गए। अरे बापू बापू, अपने देश की सौंपी थी जिनको चाबियां, वो लूट कर सारे खजाने बंद ताले, बहुत अच्छा, वो लूट कर सारे खजाने बंद ताले कर गए। बस चार पंक्तियां बोलूंगा, इसके बाद अगले हमारे यूपी में बुलडोजर चल रहा है। हालांकि मैं किसी राजनीति का विशेष नहीं बोलता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, कोई अगर ऐसा विरोध भी है तो उनसे माफी चाहता हूँ। कि धर्म की धरा पर, धर्म की धरा पर धर्मराज आ गया है। तालियां तो बनती हैं। धर्म की धरा पर धर्मराज आ गया है, लगता है फिर से राम राज आ गया है। वाह वाह वाह, लगता है फिर से राम राज आ गया है। बहुत अच्छा, आ गया है, बढ़िया। यूपी में आतंक का अब हो गया देहांत है। वाह, यूपी में आतंक का अब हो गया देहांत है। लग रहा था पहले जैसे पाकिस्तानी प्रांत है। बहुत अच्छा, वाह, हाँ, अब आया मजा। यूपी में आतंक का अब हो गया देहांत है। लग रहा था पहले जैसे पाकिस्तानी प्रांत है। वाह, अब ऋषि मुनि संतों का, अब ऋषि मुनि संतों का समाज आ गया है। वाह वाह वाह, लगता है फिर से राम राज आ गया है। बस एक मुक्तक में बैठ जाओ। वाह वाह वाह, बेटियों के लिए एक मुक्तक आखिरी, कि बेटी बगैर बेटी व्यवहार ना होगा। वाह वाह, आज पेट में बेटी को अगर मारती है तो सिर्फ बेटी मारती है, आदमी की औकात नहीं है। आखिरी पंक्ति, सारे सदन से मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव अगर ये पंक्ति आपको लग जाए कि अच्छी है तो हर एक भाई बंधु बहन की तालियां बनती है। वाह, कि बेटी बगैर बेटी व्यवहार ना होगा, बेटी बगैर राखी त्योहार ना होगा। ममता वाणी ज्योति ज्वलन, बेटी बगैर बेटी व्यवहार ना होगा, बेटी बगैर राखी त्योहार ना होगा। और बेटी ही अगर बेटियों को मारती रही तो दुनिया में खिलौनों का बाजार ना होगा। बहुत अच्छा, तो दुनिया में खिलौनों का बाजार ना होगा।